नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन यूट्यूब चैनल के संपादक राकेश रंजन जी के साथ झारखंड से। प्रशांत किशोर ने आखिरकार अपने आप को एक्सपोज कर लिया, ऐसा अब लग रहा है कि जब से उन्होंने कहा कि उनका मन और विचार जो है कांग्रेस से मिलता जुलता है और एक चैनल के साथ बातचीत में और भविष्य में ऐसी कोई संभावना या कोई ऐसी कोई योजना भी हो सकती है कि वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, तो कांग्रेस ने भी स्वागत किया है उनके इस बयान का कि अगर आते हैं तो ठीक है, उनका स्वागत होगा। लेकिन क्या ये उनका वो उन्होंने अपने आप को ही एक्सपोज नहीं कर लिया? आप जब यही सब करना था तो एक बार फिर बिहार के साथ इस तरह के छल और छलावा क्यों, जब पहले से ही वहां के लोग इस तरह से एक साजिशन शिकार होते आए हैं दशकों से, तो आप ये स्वप्न और सपने क्यों दिखा रहे थे? आखिर ये करेंगे, परिवर्तन करेंगे, इन सब नेताओं से आपको छुटकारा दिलाएंगे, आपको एकदम स्वराज की तरफ ले जाएंगे, जन स्वराज की स्थापना करेंगे। आखिर ऐसा क्या हो गया? आपको क्यों ऐसा लग रहा है और आप क्या सोचते हैं कि ऐसे इतनी जल्दी क्यों? आखिर आप 15 महीना और 16 महीने ही हुए। जी देखिए जो राजनीति उनकी है ना, और वो जो राह पकड़े थे, तो जब आए यहाँ बिहार में जन सुराज को लेकर के जो अभियान उन्होंने शुरू किया, उससे पहले तक यही बात हो रही थी कि कांग्रेस को उन्होंने अपना कुछ प्लान वगैरह दिखाया सुनाया था, बातें नहीं बनी। तो उनके मन के अंदर जो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, देखिए भाजपा में तो एक रणनीतिकार के रूप में उन्होंने जो भूमिका निभाई और राजनीतिक महत्वाकांक्षा रही होगी, तो वो तो भाजपा ने बहुत तरीके से बता दिया कि भाई आप पेशेवर काम करते हैं तो पैसा लिया, शुल्क लिया, बढ़िया निकलिए, आपका काम। लेकिन खास करके बिहार में आकर के जब उन्होंने नीतीश कुमार के साथ जुड़ना, पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण ओहदा मिलना और सब कुछ महत्व मिलते जाना, और फिर उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी और कहीं उनको लगा कि हम भाई नीतीश कुमार के बाद हम हो सकता है कि जदयू के दूसरे नंबर के नेता हों और सेकेंड लाइन में खड़े, वहां भी कहीं महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। लेकिन जिस तरह से उनकी बातें हो रही थी, कई बातचीत में हम लोगों ने कहा भी है कि भाई ठीक है, सपने आप दिखा रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, तो यह बातें कुछ नई नहीं है। बिहार, खासकर बिहार के देश की बात करिए, और खासकर बिहार से, क्योंकि उन्होंने अभियान की शुरुआत की है और बिहार से बदलाव की बात कह रहे हैं, तो बिहार के लोग भी सपने दिखाने में, तो कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं रहा सपना ही देखते रहे, तब तो सरकारें बदलती रही है, एक के बाद एक नए चेहरे आते रहे हैं, सब कुछ होता रहा है, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। तो फिर आप कुछ रोड मैप लाइए, कुछ करिए, लेकिन चूंकि यह मामला जिस तरीके से मैंने होता जा रहा है ना, जो दिख रहा है कि खास करके अगले लोकसभा चुनाव को लेकर के और फिर जो तुरंत बाद जो कुछ विधानसभा चुनाव वगैरह होने हैं, और उसमें यह भी बातें कही जा रही है कि भैया जो इंतजार की बात है, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं दिशा में भी सोच रही है कि जो लोकसभा के तुरंत बाद जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 6 महीना बाद हो, 9 महीना बाद हो, साल भर बाद हो, उनमें क्यों ना लोकसभा के साथ ही कुछ ऐसा कुछ किया जाए, चुनाव कराने की बात हो रही है। तो प्रशांत किशोर को लग रहा है कि भाई तो बहुत लंबा समय नहीं होता है कि जिस तरीके से हम चल रहे हैं उसमें बहुत कुछ नजदीक में हमको लाभ कुछ मिलता दिख नहीं रहा। और कुल मिला के देखिए, जब कोई भी कारोबारी जब राजनीति में आए ना, तो बहुत जोर हिसाब से आते, भले लाख बोल दे, बहुत सा बहुतेरे लोग हैं, ऐसा चेहरा है जो अगर आते हैं कोई कारोबारी, तो अपना कारोबार का हिसाब किताब जोड़ के, इतनी पूंजी लगनी है, इतना लाभ इतना निकलना है, ठीक है वो चेहरा जिस रूप में पेश करे, जो भी उसमें अपना ढके उके नया नकाब वगैरह कुछ लगाना उगाना जो कुछ हो, तो बातें तो छिप नहीं रही। और कांग्रेस को लेकर की बातें नहीं, अभी भी जो बातें हो रही है, जो इंडिया गठबंधन में जो हो रहा है, जो खींचतान जो दिख रहा है, उसमें जहां नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा की बात थी, जो लालू जी से था कि भाई आप बिहार छोड़िए, जाइए प्रधानमंत्री बनिए, संयोजक बनिए, कुछ करिए, वहां भी नीतीश कुमार को कुछ न बनने देना, कुछ बातें होना, फिर नीतीश कुमार का यह दिखना कि भाई नहीं करिएगा तो हम छोड़ के भाग जाएंगे, कर लेंगे कुछ ऐसा। जब अभी हालिया बैठक हुई इंडिया गठबंधन की, तो उसमें जिस तरीके से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल नाम लेकर के आ गए मल्लिकार्जुन खड़गे का, ठीक है ना,
तो वहां तो फिर नीतीश कुमार की टांग खिंचाई हो गई। और इसमें भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इसमें भी चूंकि ममता बनर्जी से जो प्रशांत किशोर के पुराने संबंध है, चूंकि उनके भी राजनीतिक रणनीतिकार रहे हैं, कुछ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल के भी राजनीतिक रणनीतिकार रहे हुए हैं, जो गारंटी उरंटी का जो अभी नारा है ना, जो ये मोदी की गारंटी है फलाना, आपको याद होगा कि उस दौर में केजरीवाल की गारंटी करके भी आया था कुछ, था तो मामला दब गया, क्योंकि सत्ता में आने के बाद केजरीवाल का जो रूपांतरण हुआ और जो नया चेहरा और जिस तरीके से सामने आया, वो भी बातें ही प्रशांत किशोर का ही दावा कि गारंटी का जो नारा है हमारा दिया हुआ है, मैंने केजरीवाल के लिए किया था। तो कुल मिला के देखिए बिहार की राजनीति जिस तरीके से फंसी हुई है और वहां की जनता जिस तरीके से फंसी हुई है, तो उसमें ठीक है प्रशांत किशोर का बीच में आ जाना, नया सपना दिखा देना और कुछ कर देना, ये भी कुछ नया नहीं है, इसको भी अप्रत्याशित नहीं ही मानिए, ये भी समझिए कि एक भी राजनीति में एक ये अभी कुछ काल करण किशोर का भी चेहरा आया, उन्होंने भी कुछ सपने दिखा लिए, बातें दिखाए, सब कुछ है। और बिहार को तो अपने हाल पर रहना है, उनको जनता को अपना तरीके से सोचना है, अपना फैसला लेना है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़े समाज सुधारक या विचारक के रूप में सामने पेश हुए जिनको मानना बहुत जरूरी ही जरूरी हो लोगों के लिए, क्योंकि नई बातें तो उन्होंने कही अब तक नहीं कही अपने अभियान के दौरान, जो हमको तो नहीं लगा, अब उनको कहने का जो भी तरीका हो उस बात को जिस तरीके से वो रखते हो, लेकिन हम मैंने जो जहां तक समझने की कोशिश की है उनके अभियान के दौरान नई बातें कही कुछ नहीं। हाँ शुरुआत में तो बड़ी सलीके से अभियान को बढ़ाया, लेकिन बाद में जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो भी दायरा बढ़ता गया और जिन चेहरों को निशाने पर लिया गया, उसमें शुरुआत ये तो सीधे तौर पर लगा कि नीतीश कुमार से हिसाब चुकता करने का जो उनका पूरा का पूरा इरादा है, जो 100% इरादा, फिर लालू प्रसाद जी का भी हिसाब किताब और लाइन तो इनका दिख रहा था, लेकिन इस तरह से इतना जल्दी खुल करके, खास करके चूंकि कांग्रेस भाजपा को लेकर मेरे मन में संदेह हो जाता है, ठीक है ना, जहां कुछ भरम था, लेकिन अब तो यह भी भरम दूर हो गया, क्योंकि इनकी योजना क्या है नहीं है। जी तो इसका मतलब यह हुआ कि ये बिहार बिहार और बिहारी तो अपने हाल पर रहेंगे ही और रह ही रहे हैं। इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर लिया और बता दिया कि दरअसल प्रशांत किशोर क्या है और उनकी रणनीति या उनकी जो राजनीति थी या उनकी सोच थी या उनका जो विचार था। और एक इसके पीछे यह भी एक ऐसा दिख रहा है कि उनको यह पता चल गया कि उनके पास 15-16 महीने के बाद भी जिस तरह के जनाधार की उम्मीद थी उनके आसपास जुटती हुई भीड़ तो है, एक छोटी सी भीड़ है या एक जनसभा है, लेकिन वो जनाधार उनको नहीं दिखा जिसके लिए वो प्रयासरत थे और वो उम्मीद पर पानी फिर गया। हाँ देखिए जो कारपोरेट जो तरीका है ना, उसमें लाभ हानि का बड़ी स्पष्ट हिसाब किताब होता है कि हम 100 रुपया लगा रहे हैं तो हमको इतना लाभ पाना है, इतने समय में पाना है, ठीक है ना, वहाँ कहीं कुछ तो चैरिटी वगैरह के लिए कुछ काम धाम होता नहीं है, तो यहाँ भी यही था, वो देख रहे थे कि जिस तरीके से ऊर्जा खप रही है, ठीक है ना, जिस तरीके से हमारा समय जा रहा है, उस हिसाब से तो फिर रिटर्न होता कुछ दिख नहीं रहा है। अब बात रिटर्न कैसे होगा, दूसरे रूप में भी इसकी भरपाई हो सकती है कि मान लिया कि इंडिया गठबंधन है, अगर बहुत तरीके से बेहतर प्रदर्शन कर जाती है, कुछ सत्ता में आ जाती है तो होंगे आया, कुछ लोग तो हर एक पार्टी में रहे हैं और हर एक सरकार में भी रहे हैं, महत्व तो पाते रहे, अभी बीजेपी में भी देखिए तो कई आयाती चेहरे हैं, अचानक जो है नौकरशाही से ला करके राज मंत्री बना दिए गए, सब कुछ है, महत्वपूर्ण होता मिला सब कुछ है, तो ऐसा भी था, लेकिन फिलहाल ऐसा भी तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन चारों तरफ से इनको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कांग्रेस जो है भाजपा के मुकाबले आज के तारीख में भी अगर किसी पार्टी को आप खड़ा करिएगा तो भाजपा भले यहाँ दावा कर रही है कि अब भारत कांग्रेस मुक्त के होने के करीब है और भाजपा अपने इस मुहिम में अब लगभग सफल होने को है, लेकिन कहीं ऐसा तो है नहीं, नहीं समझ रहे, अभी भी आज की तारीख में जो चुनाव परिणाम आए भी है हाल के स्थिति में, तो उसमें चूंकि कांग्रेस का जो अवसान हुआ, मैंने उसमें जो उसके जनाधार में जो चरण हुआ वो क्षेत्रीय दलों के उभार को लेकर ही था, ठीक है ना, क्षेत्रीय दल जहां उभरा तो कांग्रेस का वहां असर कम हुआ, और भाजपा ने उन्हीं क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर के फिर अपना अपनी मजबूत पकड़ बनाई और फिर उसको कमजोर करने का हिसाब किताब बिठाया और किसी तरीके से फिर अपने को ला करके बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया रणनीति के तहत,
लेकिन किया तो फिर भी आज के तारीख में भी कांग्रेस उस तरीके से तो नहीं हो रहा है, खत्म होने की स्थिति में है। तो भाजपा का विकल्प अगर कहीं कोई राष्ट्रीय स्तर पर है, चारों दिशा में देखिए, तो कांग्रेस ही है। तो प्रशांत किशोर को चुकी है, पर उनकी दाग तो नीतीश कुमार के साथ जाकर के नहीं गलने वाली, क्योंकि नीतीश कुमार का भी कुछ स्पष्ट रवैया तो दिख नहीं रहा है। वो क्या कब करेंगे नहीं करेंगे वो तो कहीं कुछ साफ नहीं दिख रहा है। तो फिर वहां भी नहीं है, लालू जी की भी अपनी महत्वाकांक्षा, अपना हिसाब किताब है, उनको अपना राज्य बांटना है। उनको ऐसा नहीं है कि अब उनकी मंशा कहीं प्रधानमंत्री बनने की हो सकती है। उनको है कि हमारे बेटे को सही तरीके से हम राजपाट थमा दें, किसी तरीके से हम थोड़ा इत्मीनान हो जाए, फिर बच्चे हैं करते रहेंगे, कुछ आगे है तो वहां कुछ होना जाना नहीं। सब ममता बनर्जी का भी अपना हिसाब किताब है, सब है, उनको भी अपना राज, कांग्रेस की तरफ से ही संभावना के द्वार खुलते हैं और दिखाई दे रहे हैं। तो प्रशांत किशोर उसी द्वार के करीब दिख रहे हैं। तो अब यह पूरी तरह से एकदम साफ हो गया है कि कांग्रेस में अगर जाते हैं भविष्य में तो कहीं ना कहीं फिर तो वो इंडिया की भविष्यवाणी कर रहे थे, इंडिया को गठबंधन को लेकर, तो आप फिर उसी भविष्यवाणी की तरफ जा रहे हैं जिसमें आप कह रहे थे कि नहीं देखिए, इस जिसमें आप कह रहे थे कि पीएम मोदी को हराना बहुत मुश्किल है। उनको नहीं बनाया गया संयोजक, वो भाजपा की तरफ से भी जा सकते हैं। अभी मीडिया में देख रहे हैं ना, 2-3 दिन से चला जा रहा है कि कौन नेता किधर भागने को है, वो अकेले पड़ेंगे, वो भाजपा में भी जा सकते हैं। सब कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है इस पर तो आधिकारिक रूप से कहीं कुछ बयान आया नहीं है, खुल करके कोई बातें नहीं हो रही है। तो जो कि अब पत्रकारिता का जो हिसाब किताब है, एनालिसिस का है, उसका तो कोई पैमाना कहीं कुछ नहीं है, तो ठीक है, चल रहा है। तो वहां भी एक तरीके से मानसिक दबाव की स्थिति है, नहीं समझे, कि इंडिया के गठबंधन दलों पर पड़े, लालू जी को शंका उत्पन्न हो नीतीश कुमार के प्रति, नीतीश कुमार के पार्टी में अपना जो है अंदरूनी कलह जो है जोर पकड़े, ललन सिंह को लगने लगे कि हाँ भैया ये तो हमको भगाने ही वाले हैं, तो हम कहीं रास्ता तलाशे किधर जाए। तो मानसिक दबाव की भी राजनीति और अपनी संभावनाएं तलाशने की राजनीति होती है। तो इसको इस रूप में देखिए कि अपना इन्होंने भी एक पासा फेंका है, ठीक है ना। और इस पर भी फिर चर्चा चलेगी, बहुत चलेगी। अभी ऐसा भी ना मान लीजिए कि उनके लिए बहुत मन हो गया है कि स्वागत है, आइए आइए कुछ करिए, तो कि राजीव गांधी का भी, राहुल गांधी का भी अपना अभियान वगैरह तो शुरू होने वाला है, फिर पद यात्रा वगैरह सब बातें हैं। और उस दौर में भी कही गई थी कि अगर कहीं प्रशांत किशोर की बात नहीं बनी थी कांग्रेस में, तो राहुल को लेकर कहीं नहीं बनी थी, प्रियंका से तो उनका ठीक ठाक था और कुछ बातें हैं। तो तो हम जो लोग वहां आगे बलूचिस्तान भी है, इस तो अब पर देखिए बदल संवाद गया। करेंगे, हम लोग आगे भी इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल आपने जो समय जी निकाला उसके लिए आभार। नमस्कार। जी नमस्कार।